हेलो भाई, नमस्कार। मैं डीपीआर, आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पुनर्वास महान निदेशालय, जो कि यहाँ पर रीज्वाइनिंग कराती है, रीसेटलमेंट होता है यहाँ पर जॉब का। जैसे जो आपका जो भी फोर्स से रिटायर हैं, नेवी, एयरफोर्स, चाहे वो आर्मी हो, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की, सभी एक्स सर्विसमैन की यहाँ से जॉब लगती है, रीसेटलमेंट होता है दोबारा। तो इसमें अब लोग हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जल्दी, बिना टाइम खराब करे, कि जॉब फेयर एट बेंगलुरु ऑन 21 मार्च 2023। तो यहाँ पर ये जो मेला हो रहा है वो 21 मार्च 2023 को हो रहा है, और इसमें सारे जो मतलब टोटल एक्स सर्विस मैन है, एयरफोर्स, नेवी, चाहे आर्मी से, वो यहाँ पर HQ कोटे में जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, तो वहाँ पर उनको ये भर्ती में जाना चाहिए। और ये यहाँ पर DGR के द्वारा है, DGR के द्वारा 21 मार्च को यहाँ पर, ये ट्यूसडे को, एयरफोर्स स्टेशन जलाहली बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों को भाग लेना चाहिए जो इसके सुटेबल हैं, जो इसके आसपास हैं। अभी एंट्री जॉब ESM जॉब सीकर्स इनसाइड द वेन्यू विल ऑन द फर्स्ट कम बेसिस, अ फर्स्ट कम्स एंड फर्स्ट फाइंड, मतलब आप पहले आओ पहले पाओ कि यहाँ पर बेसिस पर नौ जॉब मिलेगा। ESM टू फिल अप ए अटैच्ड ESM फॉरम फॉर द फास्टर प्रोसेसिंग, मतलब आपको जल्दी लगना है तो फॉरम दिए हैं इसमें, ये डॉक्यूमेंट फर्स्ट एंड सेकंड है, तो वो आपको यहाँ पर इसको फिल करके इस मेल आईडी पर आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। ओके, चलिए। अब पार्टिसिपेटिंग ESM टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ CVs, मतलब आपको बायोडाटा बनाना है, रिज्यूम बनवाना है, और उसकी 6 कॉपी आपको साथ कैरी करनी है। डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं आप लोग के सारे, जो आईडी कार्ड वगैरह जो हैं कुछ भी है, और कॉरपोरेट डिजीरियस ऑफ सेटिंग अप स्टॉल आर टू कॉन्टैक्ट ऑन ईमेल। आप इस ईमेल पर यहाँ पर कोई भी बात है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए कोई क्वेरी है तो, नहीं तो यहाँ पर ये दो ईमेल दिए हैं, यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा है, अथवा मतलब या तो इस पर या इस पर, आप एक मेल आईडी पर यहाँ पर इनको ये जो डॉक्यूमेंट है इसको फिल करके आप लोग सेंड कर। इसमें आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और इसको नाम, रैंक, नंबर और ब्रांच, आर्मी नंबर एंड ट्रेड क्या थी, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज एंड एम्प्लॉयमेंट, आपका डेट ऑफ रिलीज एंड टोटल सर्विस कितना किया, सर्विस क्वालिफिकेशन क्या रहा, कंप्यूटर में कोई भी आपको कोर्स वगैरह किया है जानकारी है, इसके बाद में सिविल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बाद में आपका सिविल का एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पर कौन सी कंपनी में कितने दिन काम किया, कौन से पद पे काम किया, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस, वो सारी चीज़ यहाँ भरनी है। जॉब प्रिफरेंस, आप जॉब किस सेक्टर में, किस लोकेशन में, और कितना आपको अमाउंट मिलना चाहिए, पेमेंट कितना होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर आपको फिल करनी है। तीन आप लोग अपना यहाँ पर सेक्टर और लोकेशन भर देंगे, तो कहना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया के लिए, यहाँ से ऑल ओवर इंडिया की कंपनी यहाँ आएंगी, 40-50 कंपनी आएंगी, तो वहाँ आप कोई भी जिस भी सेक्टर से हैं, जिस जहाँ से भी रह रहे हैं आप, वहाँ से वो फॉर्म को आप डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर और कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या, तो एक बार इसको देख लेते हैं, कोई बात है क्या इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर वही चीज़ है, 8 बजे आपको पहुँच जाना वहाँ, और एड्रेस मैंने आपको यहाँ बताई दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो भी चीज़ ले जानी है वो भी मैंने आपको बता दी, फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्विस बेसिस है यहाँ पर, और ये इसका पूरा एड्रेस है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको भी आप नोट कर लीजिए, कोई भी परेशानी आती है तो इससे आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।